और अब बात करते हैं ऊर्जा थानी सिंगरौली की, जहां भाजपा ने बड़ा एक्शन लिया है। वहां पार्टी से बगावत करने वाले नेताओं को 6 साल के लिए निकाल दिया गया है और अभी भी कई भितरघातियों पर तलवार लटकी हुई है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा के आदेश पे ये कार्रवाई हुई है। वहीं अब इस कार्रवाई से बगावती खेमे में हड़कंप मचा हुआ है। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव आते ही टिकट नहीं पाने वाले कई नेता भाजपा कांग्रेस में बागी हो चुके हैं। पार्टी नेताओं के द्वारा मनाने के बाद भी नेता खुलकर बागी हुए और पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतर गए। विगत दिनों प्रदेश के अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा और प्रदेश संगठन मंत्री हितानंद शर्मा, प्रदेश के कैबिनेट मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह पहुंचे थे और चुनावी जनसभा को संबोधित किया था। प्रदेश अध्यक्ष के साथ एक निजी होटल में कई घंटे बैठक भी हुई थी। बागियों को समझाने का प्रयास भी किया गया था। बीजेपी जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गोयल ने बैठक में बागियों की विधिवत जानकारी दी थी। उसके बाद प्रदेशाध्यक्ष ने 6 बागी नेताओं पर कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिया, जिसके पालन में वरिष्ठ नेता जिला उपाध्यक्ष किरण सोनी, सीमाधर दुबे, जिला उपाध्यक्ष महिला मोर्चा भाजपा आशुतोष सोनी मंडल, महामंत्री भाजपा मोर्चा पूनम सिंह, पूर्व पार्षद कंचन चौबे, वार्ड भाजपा संयोजक मानमती कुशवाहा, मंडल मंत्री भाजपा को तत्काल 6 साल के लिए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। वहीं सूत्रों के मुताबिक अभी भी कई भितरघातियों पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है। भाजपा के इस करे रुख से अब बागियों में हड़कंप मचा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज। हम सब मिलकर के अपना कार्यकर्ता है, उसको टिकट मांगने का सबको अधिकार है, लेकिन जब व्यवस्था बनती है तो उनको हम समन्वय के साथ 99% लोगों ने अपने जो फॉर्म जमा किए थे वो वापस लिए। अगर कुछ बचे हैं तो अपनी व्यवस्था के अंदर उनको भी हम जल्दी ही वापस कराएंगे, और अगर कोई नहीं मानता है तो भारतीय जनता पार्टी के संविधान में उचित व्यवस्था है। सर, कुछ वर्षों पहले रीवा से सिंगरौली आना दुश्वार था सड़क मार्ग से, अभी भी 10-12 वर्ष हो गए और मेरी बात सुन लो, सिंगरौली की रेल लाइन से लेकर सड़क मार्ग तक जरा जाकर के देखो तो सही, देखा है सर कितना सुंदर बन रहा है, और जिस दिन बन जाएगा उस दिन आप टूरिज्म करने के लिए जाएंगे वहाँ। मेरे संसदीय क्षेत्र में, मेरे संसदीय क्षेत्र में मैं देख रहा हूँ कि जो हाईवे बना है लोग बर्थडे मनाने वहाँ जाते हैं, लेकिन दुर्गम स्थान है, 5 किलो की टनल है जिसमें से रेलवे लाइन निकलने वाली है, और लगातार काम चल रहा है। मेरी बहन लगातार संघर्ष करती है, ऐसा सांसद आपको नहीं मिलेगा, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के लोग आपको नहीं मिलेंगे। जो सिंगरौली लोग आने में सोचते थे, ये सिंगरौली इस मध्य प्रदेश के नक्शे पर ही नहीं, देश के नक्शे पर एक बड़े पैमाने पर एक अच्छा शहर बनना, ये भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है, उस दिशा में मांग रही है। सर, महाराष्ट्र मामले में दिग्विजय सिंह ने कहा है कि भाजपा को दलालों की आवश्यकता है। दिग्विजय सिंह तो दिन भर काम ही यही करते हैं, अटल बिहारी जी के वीडियो उन्होंने दिन भर यही काम करते हैं, झूठ बोलना। बंटा ढार नंबर 1, अब बंटा ढार नंबर 2, जिन्होंने इस पूरे मध्य प्रदेश को गर्त में लेकर के गए, वो क्या मध्य प्रदेश को बचाएंगे? मध्य प्रदेश को बचाने का काम, मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से विकसित राज्य बनाने का काम, पूछिए दिग्विजय सिंह से कि आपके नेतृत्व में बीमारू राज्य था, आज विकसित राज्य की श्रेणी में खड़ा है, ये भारतीय जनता पार्टी।